मोटिवेशन दो। जीएफ के बारे में मोटिवेशन देने की जरूरत कहाँ है बता, कोई जरूरत नहीं है। मोहब्बत इतनी बड़ी चीज है, जीएफ के बारे में बताने की जरूरत नहीं है मुझे। मोटिवेशन कहाँ जरूरत है इस समय, तो भारत के मुद्दे ही मोटिवेशन के मोहब्बत के चल रहे हैं। पाकिस्तान से सीमा हैदर आ गई भारत में, और उस सचिन के लिए आप देखना उसको अजीब सा लगता है यार। सोचो आप, फलक से चांद ले आऊंगा तेरे लिए, वो चांद भी ले आई, चार सितारे भी तोड़ लाई, जबकि 16 सितारे लाते हैं लेकिन चार सितारे ले आई। फिर अपने भारत वाली को लगा कि नहीं नहीं, पाकिस्तान वाली जब भारत देश की सीमाओं को सरहदों को पार करके आ सकती है, तो भारत वाली ने कहा कि नहीं मैं भी जाऊंगी देखना, सरहदों को पार कर दिखाऊंगी मोहब्बत क्या है। तो अंजू चली फिर, ठीक है, और अंजू चली और प्री वेडिंग, अरे कहे कि प्री वेडिंग, दो दो बड़ी बड़ी छोरी हैं, अरे बाप पढ़े प्री वेडिंग कर रही है, प्री वेडिंग शूट कर रही है और फातिमा बन के आ गई। अब आप कहोगे जीएफ के बारे में, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा बताओ। पूरे देश में और मुद्दे चल ही नहीं रहे, अंजू और फातिमा, अंजू फातिमा और सीमा हैदर, और दोनों के नमूने देख लेना आप। उस सचिन को देख के तो ऐसा लगता है कि अब क्या बताऊं मैं, मतलब जो सच है, दिल तो गधे भी आ सकता है, याद रखना। अब ये मोहब्बत है कि नहीं, मेरे को तो लगता नहीं मोहब्बत है क्या है, लेकिन जो तू कह रहा ना कि जीएफ के बारे में मोटिवेशन दो, तो मैं तो कहता हूँ कुछ ऐसा कर, कुछ ऐसा कर कि दुनिया तेरी छाप पड़ जाए सीमा हैदर अंजू फातिमा की जगह, सरहदों को तोड़ के कुछ ऐसा कर जीएफ के लिए कि जीएफ तेरे लिए मतलब सरहदों को तोड़ के भाग गए, बता। मोटिवेशन दो, मोटिवेशन दो, इससे बड़ो देश में मोटिवेशन इस समय कुछ है ही नहीं। हाँ पांच, उसके इमोशंस बहुत गजब के हैं। तो जब गदर मूवी को देखोगे ना आप, तो मतलब मोहब्बत आप भी कर रहे थे ना, मोहब्बत वो थी, याद रखना। ये सीमा हैदर, ये सचिन जैसे, मतलब जैसा लगता है रोइंग गया है एक प्रकार से उसके लिए, ये ऐसा लगता ही नहीं कि ये हेडपंप को उखाड़ पाएंगे क्या, मतलब इनसे तो अपने घर की कहते ना बेटा टूटी उखाड़ दे सचिन, तो सचिन खुद बुलाए उखड़ जाए, हेडपंप की तो बात अलग है। मतलब देख के ऐसा लगता है यार ये क्या यार, लेकिन खैर जो भी है, मोहब्बत है, पबजी की मोहब्बत है। लेकिन वो रियल में जो गदर मूवी में दिखाया गया ना, वो इमोशंस दिखाया गया कि सनी देओल जो है वो हेडपंप को उखाड़ फेंकता है, और रियल मोहब्बत जब होती है ना तो हेडपंप के बाप को भी उखाड़ा जा सकता है साहब, क्योंकि इमोशंस गजब आ जाते हैं। अब ये अंजू फातिमार वाला, ये जो है ना, इनसे कुछ नहीं उखड़ेगा, याद रखना, इनसे कुछ नहीं उखड़ना। रियल मोहब्बत जब इमोशंस चरम पे होते हैं तभी चीजें होती हैं। तो